हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम चैप्टर वेदर क्लाइमेट एडप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट। तो इसका चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ए इज गिवन, ओरल क्वेश्चन, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मेंट बाय क्लाइमेट? क्लाइमेट से आप क्या समझते हो? क्लाइमेट और वेदर के बारे में हमने पढ़ा था। वेदर होता है जो एक ही दिन का टाइम, मतलब एक ही प्लेस का जो वेदर है, कैसा मौसम रहेगा एक ही प्लेस पे एक ही दिन का जो बताता है, वो तो वेदर होता है। और वेदर किस तरीके का किसी प्लेस पे लंबे टाइम तक रहता है, उसको हम बोल देते हैं क्लाइमेट। सो द एवरेज वेदर पैटर्न एट अ प्लेस टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लाइक 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। तो मतलब एवरेज वेदर कैसा रहता है, अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक गर्मी रहती है तो हम बोलते थे क्लाइमेट हॉट है, और अगर ज़्यादा टाइम ठंडा रहता है तो हम बोलते हैं जो इसका क्लाइमेट है दैट इज़ अ कोल्ड, या फिर रेनी, तो कुछ भी। सो द एवरेज वेदर पैटर्न एट अ प्लेस, एक प्लेस पे एवरेज पैटर्न कैसा रहता है वेदर का, टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और कितने टाइम तक हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, लाइक 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर इन द हिमालयन रीजन इज़ वेरी लो मोस्ट ऑफ द टाइम। जो हिमालयन रीजन है, पहाड़ है जहाँ पे, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, इट मीन्स ठंड होती है। दैट्स वाई वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द हिमालयन रीजन इज़ वेरी कोल्ड। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि हिमालयन रीजन का क्लाइमेट कैसा रहता है, कोल्ड रहता है। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, वट आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन क्लाइमेट ऑफ द प्लेस? एक प्लेस कि क्या चीज़ें हैं जो उस क्लाइमेट को डिटरमाइन करती हैं, जिससे ये डिसाइड होता है कि उस प्लेस का क्लाइमेट कैसा होगा। सो द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आर, नंबर वन, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर आपको पता होगा, अगर ये अर्थ है, अर्थ का एक इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर से क्रॉस होती है, उसको हम बोल देते हैं उस अपनी अर्थ का इक्वेटर। सो इक्वेटर से कितना डिस्टेंस है, कितना ऊपर की तरफ है, कितना नीचे की तरफ है, वो डिसाइड करता है वहाँ का क्लाइमेट। यूजुअली बहुत गर्म होता है ये जो एरिया होता है। सेकंड इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होता है मतलब अर्थ की जैसे सरफेस है, पहाड़ है, तो एल्टीट्यूड अगर यहाँ पे कोई प्लेस है तो ऊंचाई पे बने हुए हैं पहाड़ी एरिया पे, तो हम बोलते हैं हाई एल्टीट्यूड, और अगर प्लेन्स में है तो हम बोलते हैं लो एल्टीट्यूड। सो एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से कितनी डिस्टेंस पर है प्लेस, विंड्स, हवाएं कैसी हैं, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन, तो ये सारी चीज़ें मिलकर डिटरमाइन करती हैं किसी प्लेस की क्लाइमेट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, नेम फोर एनिमल्स विच आर वेल एडप्टेड टू लिव इन पोलर रीजन। सो फोर एनिमल्स के नेम बताने हैं जो कि पोलर रीजन के लिए, मतलब अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के लिए अच्छे से अडप्ट हो चुके हैं। सो नंबर वन इज पोलर बियर, पोलर बियर, पेंगुइन्स, मस्क डियर एंड सील्स। ये चार ऐसे एनिमल्स हैं जिन्होंने अपने आप को अडप्ट कर लिया है टू लिव इन अ पोलर रीजन ऑफ द अर्थ। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज मेंट बाय वेदर? अब वेदर क्या है बच्चों, आपको क्लाइमेट और वेदर में अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए। सो वेदर होता है एक दिन का किसी प्लेस का कि किस तरीके का वेदर रहेगा। द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर डे पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी रहेंगी एट अ प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस पे विद रिस्पेक्ट टू द, और उसमें हम क्या देखते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड। विंड की स्पीड भी देखते हैं और डायरेक्शन भी देखते हैं, एटसेट्रा इज कॉल्ड अ वेदर। तो इससे मिलके क्या बन जाता है, इन सारी हम इसकी वैल्यूज़ ले लेते हैं, तो इससे बन जाता है उस पर्टिकुलर डे का, उस पर्टिकुलर एरिया का वेदर हो जाता है। ओके, नाउ कम टू द बी पार्ट, दैट इज़ द साइंस क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द एलिमेंट्स विच डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि क्या डिटरमाइन कर रहा था, क्लाइमेट बहुत लंबे टाइम तक। अब हम देख रहे हैं वेदर कौन डिटरमाइन करता है, सो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड एटसेट्रा डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर टू, दैट नेम द यूनिट इन विच रेनफॉल इज मेजर्ड। जो रेनफॉल होती है, जो बारिश होती है, उसका यूनिट क्या होता है मेजरमेंट का। सो आंसर इज मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को हम और कैसे लिख देते हैं, एमएम करके, है ना, मिलीमीटर।
राइट. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द रेनफॉल. अब रेनफॉल है किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो रेनफॉल को मेजर करता है, दैट इज अ रेन गॉज. ओके, नाउ कम टू द वर्कशीट. ए इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस. आपको ऑप्शंस गिवन है क्वेश्चन के, उसके करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक करना है. फर्स्ट इज ह्यूमिडिटी इज द मेजर ऑफ डैश. ह्यूमिडिटी में हम किसकी मेजरमेंट करते हैं, टेम्परेचर की करते हैं, नहीं, प्रेशर की करते हैं, नहीं, मॉइस्चर की करते हैं, येस. ह्यूमिडिटी क्या होती है, दैट द प्रेजेंस ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी. तो इससे हम क्या देखते हैं, मॉइस्चर कितना है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इट मीन्स मॉइस्चर उसमें ज़्यादा है, वाटर वेपर कंटेंट ज़्यादा है, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी कम है, तो हम बोलते हैं मॉइस्चर कम है एयर में. ओके, नाउ सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लिव इन पोलर रीजन. पोलर रीजन में कौन सा एनिमल नहीं रहता, डज नॉट. ए पेंगुइन रहता है, पोलर बियर येस, कैमल नो, इट लिव्स इन अ डेजर्ट, रेनडियर ऑल्सो. थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लॉन्ग कलरफुल बीक. बीक होती है चोंच, तो किसकी लॉन्ग कलरफुल बीक होती है, आर्कटिक टर्न नो, टू कैन येस, पेंगुइन की नहीं होती, साइबेरियन क्रेन की नहीं होती. ऑलराइट, नाउ फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज एन अपोजिएबल थंब. अपोजिएबल मतलब पीछे की तरफ, अपोजिट साइड में थंब होता है. रेड आइड फ्रॉग का नो, टाइगर नो, मंकी येस. सो दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस. बी इज सर्कल द ऑड वंस. आपको जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें फोर कुछ भी वर्ड्स गिवन है, आपको उसमें से ऑड सेलेक्ट करना है एंड ऑल्सो गिव द रीजन फॉर योर चॉइस. और आप इसको ऑड बोल रहे हो तो आपको रीजन भी पता होना चाहिए. सो फर्स्ट में गिवन है टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी एंड द विंड स्पीड. तो इन सब से क्या पता चलता है, उसका वेदर पता चलता है टेम्परेचर से, प्रेशर से और विंड स्पीड से, बट इलेक्ट्रिसिटी से तो कुछ भी पता नहीं चलता है वेदर का, है ना. सेकेंड इज मंकी, लेपर्ड, एलिफेंट, पोलर बियर. तो पोलर बियर के नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये पोलर एरिया में रहते हैं. तो क्या एलिफेंट, लेपर्ड और मंकी रहते हैं, नो, ये तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं. सो ऑड क्या होगा, पोलर बियर, क्योंकि ये पोलर रीजन में रहते हैं. थर्ड इज पोलर बियर, टाइगर, पेंगुइन, रेनडियर. अब आप देख रहे हो रेनडियर, पेंगुइन, पोलर बियर, ये तीनों के तीनों पोलर रीजन में रहते हैं, बट टाइगर जो है वो किस में रहता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. तो ये हो गया ऑड. फोर्थ इज लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, टेम्परेचर एंड द विंड. ये लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड ये साथ साथ हैं, ये क्या डिटरमाइन करते हैं, उस जगह का क्लाइमेट. विंड भी डिटरमाइन करता है बट टेम्परेचर नहीं करता. सो दिस इज ऑड. ओके, लेट्स स्टार्ट पार्ट सी. फिल इन द ब्लैंक्स. ए इज अ टुकैन हैज अ लॉन्ग डैश टू रीच द फूड. उसके पास ऐसी क्या चीज़ होती है लॉन्ग, जिससे वो फूड के पास पहुंच जाता है, दैट इज अ कलरफुल बीक. सी ओ एल ओ यू आर एफ यू एल, कलरफुल बीक, पी ई ए के. ओके, सेकेंड इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर विद द हेल्प ऑफ. रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं, दैट इज अ हाइग्रोमीटर, एच वाई डी आर ओ एम ई टी आर ई, स्पेलिंग आपको लर्न होने चाहिए. थर्ड इज पोलर बियर हैज़ अ थिक लेयर ऑफ फैट. पोलर बियर की एक बहुत मोटी लेयर होती है फैट की, कॉल्ड डैश अंडर द स्किन. स्किन के नीचे होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फैट की लेयर को, ब्लबर, बी एल यू डबल बी ई आर. फोर्थ इज पेंगुइन हैज़ डैश बॉडी फॉर मेकिंग दैम गुड स्विमर. पेंगुइन्स की बॉडी कैसी होती है जिससे वो गुड स्विमर बन जाते हैं, स्ट्रीम लाइन बॉडी, एस टी आर ई ए एम, स्ट्रीम लाइन बॉडी. ओके, सो हेयर फिल इन द ब्लैंक्स इज ऑल्सो कम्प्लीट. लेट स्टार्ट डी पार्ट. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. कुछ स्टेटमेंट गिवन है, आपको ये बताना है कि किस इसमें से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है. फर्स्ट इज गिवन फैक्टर्स सच एज द टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस. किसी प्लेस का आज का जो वेदर है क्या वो ये डिटरमाइन करता है, टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी डिटरमाइन करते हैं. सो येस, ट्रू. सेकेंड इज द एरिया विच लाइक क्लोज टू द इक्वेटर आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन. सो जो अर्थ के इक्वेटर के पास होते हैं एरियाज, उनको ट्रॉपिकल रीजन्स बोलते हैं. सो ट्रू, येस. पोलर बियर्स हैव नो सेंस ऑफ स्मेल, ये तो फॉल्स है, उसकी तो होती है बहुत ज़्यादा, है ना. सो फॉल्स. नाउ कम टू द सेक्शन बी, एम सी क्यूज.
तो मल्टीपल चॉइस गिवन है, आपको उसमें से करेक्ट वाला जो है वो टिक करना है. फर्स्ट इज अ मंकी इज फाइंड टू हैव द सिल्वर वाइट मेन सराउंडिंग द हेड, इट इज कॉल्ड. एक मंकी है जिसकी सिल्वर वाइट मेन होती है हेड के चारों तरफ, और उसको उसका नेम क्या, इट इज कॉल्ड गोरिल्ला. नो. लायन टेड मैकाक्यू, यस. सो बी. चिंपैंजीज, नो. बंदर, नो. सेकेंड इज द एलिफेंट यूजेज इट्स ट्रंक, ट्रंक होती है उसकी सूंड, एज अ सेंस ऑर्गन फॉर डिटेक्टिंग. जो एलिफेंट है वो ट्रंक को यूज करता है सेंस ऑर्गन को क्या डिटेक्ट करने के लिए, वो नोज है तो क्या करेगा, स्मेल ही तो करेगा. सो आंसर इज स्मेल. अ कार्निवोर, कार्निवोर होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हैं. सो कार्निवोर हैज स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी, जैसे टाइगर है उसकी बॉडी पे स्ट्रिप्स होती है, एंड मूव्स वेरी फास्ट टू कैच द प्रे, और अपने शिकार को पकड़ने के लिए वो बहुत तेज से भागते हैं. इट इज लाइकली टू बी फाउंड इन द, और वो कहाँ पर रहते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नो. डेजर्ट, नो. ट्रॉपिकल रेनफॉर, जहाँ बहुत घने जंगल होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग विन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइग्रेटरी बर्ड, माइग्रेटरी बर्ड कौन सा है इसमें, पेंगुइन, नो. साइबेरियन क्रेन, यस. पैरट, नो. सो ये भी आंसर नहीं है, सो आंसर इज साइबेरियन क्रेन. वही तो साइबेरिया से इंडिया आता है ना, जब ठंड हो रही होती है वहाँ पे तो यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे ठंड कम हो जाती है साइबेरिया में, फिर वापस अपने घर चले जाते हैं. नाउ कम टू द बी पार्ट, दैट इज अ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ डे. सो एक दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर नोट करने के लिए और उसी दिन का मिनिमम टेम्परेचर नोट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, वेरी सिंपल. मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. टेम्परेचर के लिए तो हम थर्मोमीटर यूज करते ही हैं, और नाम क्या हो गया, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. सेकेंड इज नेम द प्लेसेज इन इंडिया वेयर साइबेरियन क्रेन कम एवरी ईयर फॉर अ फ्यू मंथ्स. आपको इंडिया के उन प्लेसेस का नेम बताना है जहाँ पे साइबेरियन क्रेन हर साल आते हैं कुछ महीनों के लिए, दैट इज अ भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा. थर्ड इज व्हाट आर बिग कैट्स, बिग कैट्स क्या होती हैं. आंसर इज द वाइल्ड एनिमल्स सच एज द लायन, टाइगर एंड द लेपर्ड आर कॉल्ड बिग कैट्स. सो लायन, टाइगर एंड लेपर्ड को क्या बोलते हैं, बिग कैट्स बोलते हैं. नेम एन एनिमल हैविंग स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट, किस एनिमल की फीट जो होते हैं उस पर स्टिकी पैड्स होते हैं, दैट इज अ रेड आइड फ्रॉग, इसके फीट पे स्टिकी पैड्स होते हैं. नाउ शॉर्ट आंसर टाइप वन क्वेश्चंस, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट डू वी ऑब्जर्व इन, किस तरीके का क्लाइमेट होता है इन द हिमालय रीजन, हिमालय रीजन पे वेरी कोल्ड. द थार डेजर्ट, डेजर्ट है, रेगिस्तान है तो वेरी हॉट. इन मेघालय हॉट एंड ह्यूमिड, गर्मी भी बहुत होती है और बारिश भी बहुत होती है, तो हॉट भी हो गया और ह्यूमिड भी हो गया. वट इज माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या होता है. द बर्ड्स माइग्रेट टू द वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन, जहाँ के माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जहाँ पे ओरिजिनली होते हैं, वहाँ पे जब ठंड आती है तो वो माइग्रेट करके कुछ गर्म जगह पे चले जाते हैं. दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर, तो जहाँ पर थे ओरिजिनली, जहाँ पे ठंड स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे जब ठंड खत्म हो जाती है तो ये वापस आ जाते हैं. दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, माइग्रेशन बोल देते हैं. थर्ड इज वट इज मेंट बाय अडेप्टेशन, अडेप्टेशन का क्या मतलब है. द फेवरेबल करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स एंड द हैबिट विच एनेबल द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड ब्रीड इन देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड अडेप्टेशन. हम बोलते हैं ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट होना चाहिए, तो अडेप्टेशन क्या होती है, हमने अडेप्ट कर लिया, जैसी सिचुएशन थी वैसे अडेप्ट कर लिया. सो द फेवरेबल करेक्टरिस्टिक्स विच एनेबल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म ने कुछ ऐसे फेवरेबल करेक्टरिस्टिक डेवलप कर लिए टू सर्वाइव, ताकि वो जिंदा रह सके एंड ब्रीड एंड अपने आगे रिप्रोड्यूस कर सके और अपने जैसों को ब्रीड करा पाए इन देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड द अडेप्टेशन. फोर्थ इज हाउ डू एलिफेंट्स कीप देमसेल्फ कूल इन हॉट एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर द ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कि एलिफेंट्स जो हैं अपने आप को हॉट एंड द जो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है रेन फॉरेस्ट का, वो किस तरीके से अपने आप को कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं. सो आंसर इज व्हेन द टेम्परेचर राइजेज, जब टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी होती है, द एलिफेंट फ्लैप देयर लार्ज ईयर, उनके जो बड़े बड़े कान हैं, ईयर हैं, उनको फ्लैप करते हैं, मतलब हवा देते हैं,
एंड यूज देम एज अ फैन टू कूल देम सेल्फ, और उनको एज अ फैन यूज करते हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए इन द हॉट एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट. ओके, सो बहुत सिंपल चैप्टर है. वाई डज अ टुकैन हैव अ लॉन्ग कलरफुल बीक? टुकैन की लॉन्ग कलरफुल बीक, इतनी लंबी और कलरफुल चोंच क्यों होती है? द लॉन्ग बीक हेल्प अ टुकैन टू रीच द फ्रूट्स ऑन सच ब्रांचेज विच आर टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट. मतलब अगर ये बर्ड है तो ये ऐसी ब्रांच पे लगे फ्रूट्स भी खा सकता है जिस पे ये बैठ नहीं सकता, क्योंकि वो ब्रांच बहुत वीक है. ठीक है, तो टुकैन की इसलिए इतनी लंबी चोंच होती है कि वो अगर इस ब्रांच पे भी बैठा हुआ है तो ये वाले फ्रूट वो खा सके. ठीक है. सिक्स्थ इज स्टेट एंड एडप्टेशन इन द रेड आइड फ्रॉग विच हेल्प इट क्लाइंब ऑन द ट्रीज ऑन विच इट लिव्स. अब ऐसी एडप्टेशन बतानी है रेड आइड फ्रॉग में जो उसको ट्रीज पे चढ़ने में, क्लाइंब करने में हेल्प करती है. सो आंसर इज द रेड आइड फ्रॉग हैज़ अ स्टिकी पैड ऑन इट्स फीट. जो रेड आइड फ्रॉग होता है उसके फीट कैसे होते हैं? स्टिकी होते हैं, विच हेल्प इट टू क्लाइंब ईजिली ऑन द ट्रीज ऑन विच इट लिव्स. ठीक है, तो जो उनको हेल्प करता है कि वो ऊपर क्लाइंब कर पाए. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मली लिव इन पोलर रीजन्स एंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. आपको कुछ नेम गिवन है एनिमल्स के, आपको उसमें बताना है कि पोलर रीजन में कौन रह सकता है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन रहता है. सो पेंगुइन रहता है पोलर रीजन में, सील पोलर रीजन, साइबेरियन क्रेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आर्कटिक टर्न दैट इज अ पोलर रीजन. लायन टेल मकैक्यू इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ओके, सो हेयर आई एम कंप्लीटिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट के जो भी क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.